अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, आज का हमारा ट्रैवल है वीर सिमार का, जिसमें हमारे साथ है दानिश सईर, साकिब सफ़ीर और पीछे मामू आ रहे हैं, और हमारे साथ एक और बच्चा भी है जिसका नाम नहीं मुझे पता। क्या नाम रखा था घर वालों ने आपका? रईस जमील। हाँ जी, तो बाकी इंशाल्लाह आपके वीडियो के जितना नाज़रीन हमारे टीम को लीड कर रहे हैं सफ़ीर मामू, जिनकी क़यादत में हम लोग निकल चुके हैं। तकरीबन 6:10 से 15 मिनट हो गए हैं, टाइम मैंने देखा नहीं। दो शहरिया 23 किलोमीटर मुसाफत तय कर चुके हैं। बाय स्टेप, वन बाय वन स्टेप के साथ साथ काउंट किए जा रहे हैं, और थकावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। साकी राजपूत यहाँ पे रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, पानी वगैरह पियेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद ट्रैवल का बाकायदा आगाज करेंगे। टीम के लिए पानी लेके हैं, पीछे पी रहे हैं। ये साथ में ठहरा शीत दरबार की मुनाजर। अजीत नाजरीन, हम लोग इंटर हो चुके हैं जंगल में। यहाँ आके एक बैठे हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, दुआ करेंगे। वो बिहाइंड सामने आप देख सकते हैं, और उसके बाद सफर का दोबारा आगाज करेंगे। अगेन एज यू नो, हम सब में से ज्यादा उम्र वाले, लेकिन सबसे आगे क्या बनेगा। आवर फर्स्ट चेक पॉइंट। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन, ऐसा जगह का नाम है जहाँ पर हम लोग इस टाइम पहुँच चुके हैं, और करीब हम लोगों ने ट्रैवल किया इससे पहले 4.86 किलोमीटर, और जो हमारे स्टेप्स बनते हैं वो हैं जी अबाउट 7000+। इंतहाई बेहतरीन मौसम है फिलहाल, चलने के काबिल है। सो इंशाल्लाह आपको साथ साथ मज़ीद वीडियोस मैं इन्फो देता रहूँगा। Subscribe to my channel.
and also press this bell icon. गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 9 बज चुके हैं और इस जगह का नाम देसी जो लैंग्वेज में है वो आपको थोड़ा सा शायद अजीब भी लगे। देसी नाम है पहले मतलब गिटी और तकरीबन 5-6 मिनट रेस्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग तकरीबन 7 किलोमीटर से पहले चल चुके हैं और हमारे जो स्टेप हो चुके हैं वो 10,422 हो इससे पहले। थोड़ी देर रेस्ट होगी और उसके बाद हमारा सफर दोबारा कंटिन्यू होगा। तो पीछे तारिक सिंह साहब बैठे हुए हैं जो इंतहाई थकावट का मुजाहरा कर रहे हैं और मामू जान अभी भी हशाश पशाश हैं, हमसे तो बेहतर ही हैं तकरीबन। और हमारा एक साथ जो है छुप के बैठा हुआ है और ये है जी रईस जमील और साकिब भी ठीक है। मेरी बजात खुद थोड़ी सी तबीयत नासाज है, बाकी इंशाल्लाह मजीद आपको दिखाते हैं। सो नाजरीन पिछले ट्रैवल कि जो हमारी रात गुजरी थी यहाँ पे एक बरामदे में गुजरी थी और हमारे साथ तकरीबन 2-3 आदमी ऐसे थे जो तकरीबन 20-30 साल के बाद आ रहे थे, तकरीबन 20-25 साल के बाद, और उनकी हालत शदीद तशवीशनाक थी। रात बड़ी मुश्किलात के साथ गुजारी थी। सो अभी यहाँ पे भी थोड़ी देर 1-2-3 मिनट स्टे करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, आपको मिल जाएगी पिछली वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। ये तो नाजरीन हमारी डेस्टिनेशन हमारी आंखों के सामने है, जैसा कि हमें डराया गया था। हमारी ड्रेसिंग से भी आपको लग रहा होगा कि ये कौन से स्पेशल टूर पर जा रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमें बताया गया था कि यहाँ पर शदीद किस्म की बर्फबारी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा। नहीं अभी तो मैंने आपको दिखाया नहीं, खैर मैं आपको दिखाता हूँ, इंतहाई बुरे मामलात। लेकिन ये देखें जी भाई साहब की कॉल भी आ गई और अभी हम ऑनलाइन सुनेंगे कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर, साइलेंट था सा फ़ोन। सुनाजीन ये है हमारी डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम लोगों ने जाना है और कम से कम हमें अभी भी मज़ीद 3 घंटे का सफ़र दरकार है। करीब 9:00 हो चुके हैं, मैंने टाइम एग्जैक्टली अभी भी नहीं देखा, लेकिन और हमें तकरीबन 10, 11 और 12 अंदाजे के मुताबिक 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी मामू जान कर रहे हैं जुगाड़ लकड़ियों का, क्योंकि आगे हम लोगों ने आग जलानी है, तो एग्जैक्टली जगह पे आग जलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ दरकार होगा। नाजरीन आज का स्पेशल चैलेंज तो मैंने बोला ही नहीं है, आज का स्पेशल चैनल बोला ही नहीं है। और यहाँ तक सुना है अभी तक तो है नहीं फील हुई, हम लोगों ने इंतज़ाम तो किया हुआ है, मुख्तसर सा इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी सुना है ठंड इंतहा से ज़्यादा है। सो हम लोगों ने सरवाइव करना है मुख्तसर सामान के साथ और तकरीबन आज हम लोग सुबह निकल आए थे टाइम से ही, तो आज का दिन है, आज की रात भी यही है, कल का दिन सरवाइव करना है। करीब 2 दिन और 1 रात मुख्तसर सर्वाइवल के साथ सामान के साथ। सो दिखाते हैं आपको हमारे साथ हमारे पास जो जो सामान है उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा। नाजरीन हमारा नेक्स्ट पॉइंट हिसाब वाली गली कहते हैं इस जगह को, और यहाँ पीछे एक दरबार भी है। बड़ी गर्म जा रहे थे, गर्म से यहाँ पर बड़ी सख्ती से गुजरना होता है और यहाँ पर दुआ वगैरह करके लाजमी जाना होता है। और उसके अलावा सबसे मज़े की बात मैं आपको जो बताने वाला था वो ये थी कि इस टाइम हवा चल रही है, लेकिन ये जो हवा है ये गर्म है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन
मतलब उस तरह की ठंडी हवा नहीं है, जंगल की हवा इतनी ठंडी होती है कि आपके जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं है वो वाला सीन नहीं है, ये गर्म हवा है। और अभी यहाँ पे आगे बैठते हैं तो बाकी आपको बाकी मेंबर से मिलाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने स्टे करना, थोड़ी देर रेस्ट, चाय पियेंगे, दुआ करेंगे और फिर उसके बाद बाकी का जो हमारा सफ़र है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको दरबार दिखा देता हूँ, ये जो मेरे बिहाइंड आप देख रहे हैं ये दरबार है। हाजिरी के लिए मामू जान अंदर गए हैं दरबार के अंदर। तो बाकी तो खैर मैं और मेरे साथी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, बस आगे जाना है उधर बने चाय ना, फिर मैं गिरता गिरता बचाऊं। तो चाय के बाद हम लोग यहाँ से आगे जो हमारा सफ़र है थोड़ा सा चढ़ाई वाला है, मुसलसल बिल्कुल इस तरह की चढ़ाई, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा चलना, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ी देर चाय वगैरह बनाएंगे वो पियेंगे। तो सुकून तरीके के साथ हमारे पास बेहतरीन किस्म का क्वालिटी टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो अभी आपको चाय के सीन्स दिखाते हैं, चाय तैयार की जा रही है अभी, बस चाय पियेंगे और उसके साथ स्पेशल कश्मीरी कुल्चा। सो चाय तैयार हो रही है, चाय पियेंगे उसके साथ स्पेशल कश्मीरी कुल्चे खाएंगे। तो उसके बाद फिर दोपहर के लिए कहीं पर रुकेंगे, बाकी मुसलसल सफर जारी रहेगा। तो नाज़रीन रेडियो के मुकाम पर पहुँच चुके हैं, व्यू इंतहाई क्लासिक है और बहुत बहुत बेहतरीन। बस हम लोग बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, वैसे लॉजिक ये है कि फिज़िकली अनफिट होने की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद कैरिंग विद लॉट्स ऑफ वेट, लुक बिहाइंड मी, दैट्स व्हाई वी आर सो स्लो। एंड स्पेशली मेरे साथ मेरे कज़न भी आए हुए हैं, इनके साथ मेरा फर्स्ट ट्रैवल है। दानिश सईद जिन्हें चुप लगी हुई है, पता नहीं किस बात पे क्यों लगी हुई है, आई डोंट नो आप क्यों नहीं बोल रहे जी, कोई किसी टॉपिक पे कोई भी बात नहीं कर रहे, इसकी खास वजह तो यार काफ़ी अरसे के बाद बंदा आता है तो वो हज़ार बातें करता है, आप तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। खैर ये इनका पर्सनल मैटर है, इससे मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करता। लुक एट दैट, लुक एट दैट द व्यूज, माशाल्लाह क्लासिक व्यूज बिहाइंड मी, ये देखें। यहाँ पे गुज़श्ता टूर का स्टे हुआ था थोड़ी देर के लिए, नाज़रीन माशाल्लाह से सफ़र का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। दिन को सफ़र करने का बेसिक मतलब ये था कि रात को होती है बहुत ज़्यादा ठंड, ठंड में इंसान सफ़र एंजॉय नहीं कर सकता और ना ही व्लॉगिंग कर सकता है, दैट्स व्हाई हम लोग दिन को सफ़र कर रहे हैं। अगेन वही चीज़, मुख्तसर इक्विपमेंट्स, मुख्तसर सामान, मुख्तसर सिस्टम के साथ सर्वाइवल। क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, उस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, थकावट भी थोड़ी होगी, हालांकि उस तरह की होनी नहीं चाहिए थी, बहुत स्लो चलने के बावजूद भी थकावट काफी ज्यादा हो गई है। अभी जाना है, पानी का इंतजाम करना है, फिर लकड़ियों का इंतजाम करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर रात गुजारनी है तो आपको आग जला कर रखनी पड़ेगी प्रॉपर सेफ्टी के लिए। सो वो काम भी करना है और उसके अलावा बाकी काफी मुश्किल भी
मेरा एक पिछला व्लॉग है दरवाजे के पहाड़ वाला, उसके जो टॉप है इसी तरह की हाइट है और यहाँ से भी इसी तरह की हाइट। डेस्टिनेशन से थोड़ा सा दूर है, बाकी बेहतरीन व्यूज माशाल्लाह आप मेरे बिहाइंड देख सकते हैं। वाओ, hey there, subscribe to my channel, the classic views, this bell icon, afihan vlogs, must watch my video, especially full video watch kare, aapko bahut sari malumat milengi, aur channel ko please channel ko subscribe kar dein, kyunki mera jo hai time pura hone wala hai monetization mein। तो नाजरीन हम लोग पहुंच चुके हैं गड़ंगा के मकाम पर। गड़ंगा बेसिकली मतलब होता है पहाड़, जिस जगह पे बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं उस जगह को कहते हैं पहाड़ी, कहते हैं और क्या कहते हैं, लेकिन गड़ंगा कहते हैं उसे। तो वाह क्या जबरदस्त इंग्लिश है, वी रीच टू गड़ंगा, बट उस बात को छोड़े है। ये थी मेरी कजन की इंग्लिश जो कि PhD है, पता नहीं कहाँ से है, लेकिन बेसिकली मैं आपको भी दिखा रहा था गड़ंगा का, यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ पाए जाते हैं उस जगह गड़ंगा कहते हैं, और जो पीच यानी कि जो चोटी, ये जो मेरे पीछे है माय फेवरेट स्पॉट एवर, इस एरिया की सबसे बेहतरीन जगह है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। सो ये बकवास लगी हुई है इसकी, तो पीच नहीं पीक होता आई थिंक, वो भी बकवास से। तो यहाँ आगे तो एक थर्ड क्लास फोटोग्राफर भी रखा हुआ, और यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। नाजरीन देखें मैं छाल मार रहा हूँ, मैं तो नहीं छाल मारूंगा, तो बाकायदा तरीके कार से उतरे पहाड़ से। So guys, this is the most beautiful point named by Gadanga. पहाड़ियाँ चवले मार रहे हैं सर पीछे व्यूअर्स, ये चवले मार रहे हैं। हम लोग गड़ंगा नहीं पहुंचे, हम लोग पहाड़ियाँ पहुंचे। आज से इस जगह का नाम गड़ंगा के बजाय पहाड़ियाँ रख दिया मैंने, यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं। मैंने कर दिया जी नाम इस जगह का चेंज, और ये जो पीछे वाला स्पॉट पहाड़ी चोटी जो भी कहे, जब जब ग्रीनरी वाले सीन में आप आते हैं ना, ओए क्या व्यूज होते हैं पहाड़ियाँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ियाँ के मकाम पर। सो क्या पहाड़ियाँ हैं, क्लासिक, वाओ। ओ अब मुझे चक्कर आ रहा है। गाइस गाइस सो नाजरीन हम लोग पहुंच चुके हैं होले के मुकाम पर, यहाँ पर बहुत सारे होले पाए जाते हैं। होली होली हो जाएगा प्यार में, होलिया बलिया जो भी होता है वो होले। MG पुरानी जन्म जन्म का साथ और पुरानी तर्ज अमल के मकान, क्लासिक व्यूज ऑफ होलिया। होलिया नहीं पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ पीछे रह जाती हैं, पहाड़ियाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो जगह का नाम आ जाता है होलिया। और क्लासिक व्यूज है नाजरी, इतने क्लासिक व्यूज है। और मेरे कजन्स जो इंताई वगैरह थे जिन्होंने मेरे साथ चीट किया है, कहते थे आप हमारे साथ आ जाएं बस आपसे कोई वजन नहीं उठवाएंगे, और वगैरह तो आप खुद उठवा रहे हैं मुझे वजन। गाइस लोग नाजरीन ये ना समझे कि मुझे ठंड लग रही है, बेसिकली ये जो कंबल है ना ये बगैर तो ने उठाने से इनकार कर दिया है, मुझे इस वजह से उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये रात को काम आएगा। ये देखें आगे तेरी वजह से हमारी
यहाँ से चलना काफी मुश्किल है। आप रॉक्स देख सकते हैं, पहाड़ियाँ देख सकते हैं, क्लासिक माशाल्लाह। नाज़रीन ये देखें, ऐसे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सॉलिड रॉक, रॉक वो वाला ना, फाइटिंग वाला नहीं, पहाड़ है, पहाड़ मीन तो से पत्थर वो वाले जहाँ पे आपका पाँव फिसल जाता है, मतलब फिसल सकता है इन केस अगर आपकी, मैं पत्थर एक गिरा के आपको दिखाऊंगा कितना दूर है, और जो आपको बिहाइंड बकवास सुनाई दे रही होगी कोई बात नहीं, कुत्ते भौंकते रहते हैं तो बस वही फील कर ले। लाइक हो गया अल्लाह यार, कुत्ते जो होते हैं ना, ये देखे दो कुत्ते, दो कुत्ते, दो दोस्त मेरे। आ गया जी हमारा मेन पॉइंट, दरबार पे पहुंच गए। जितना लोगों ने बताया था कि ठंड उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि गुजारा है। सो इंतहाई एंजॉय किया सफर में।